मैं दुनिया में हर जगह सही को बनाए रखने, पाप और बुराई को नष्ट करने का कर्तव्य लेकर आया हूँ। मेरे जन्म लेने का एकमात्र कारण यह देखना था कि धार्मिकता फले फूले, अच्छाई जीवित रहे और अत्याचारियों को जड़ों से उखाड़ फेंका जाए। कर्ता और करीम एक ही ईश्वर के नाम है, रजाक और रहीम भी उसे दिए गए नाम है। कोई भी व्यक्ति अपनी गलती से नामों में अंतर को लेकर विवाद न करे, उस ईश्वर की आराधना करो जो सबका स्वामी है। यह जान लो कि उसका स्वरूप एक है और वह एक ही प्रकाश है जो सब में फैला हुआ है। जो मुझे भगवान कहते हैं वे नरक के गहरे गड्ढे में गिरेंगे। मुझे अपने गुलामों में से एक समझो और इसमें कोई संदेह ना करो। मैं परमेश्वर का सेवक हूं और जीवन के अद्भुत नाटक को देखने आया हूं। मेरी बात सच है, सुनो सब लोग, केवल वे ही जिन्होंने प्रेम किया है प्रभु को महसूस करेंगे। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे। जब आप अपने अंदर से अहंकार मिटा देंगे तभी आपको वास्तविक शांति प्राप्त होगी। मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है ताकि हम संसार में अच्छे काम करें और बुराई को दूर करें। इंसान से प्रेम ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जो कोई धार्मिक वस्त्र धारण करता है वह परमेश्वर को तनिक भी प्रसन्न नहीं करता। हे मनुष्यों, यह बात अपने मन में अच्छी तरह समझ लो कि परमेश्वर दिखावे से नहीं मिलता। जो लोग छल करते हैं उन्हें परलोक में मुक्ति नहीं मिलती। वे ऐसा केवल सांसारिक मामलों को पूरा करने के लिए करते हैं और यहाँ तक कि राजा भी उनकी उपस्थिति के लिए पूजा करते हैं, परंतु दिखावे से ईश्वर प्राप्त नहीं होता। चाहे कोई कितना भी खोजे, जो अपने मन को वश में कर लेता है वही पारलौकिक ईश्वर को पहचान पाता है। जो लोग गुरु के वचन के माध्यम से भगवान की पूजा और आराधना करते हैं वे अपने सभी दर्द और कष्ट भूल जाते हैं। अच्छे कर्मों से ही आप ईश्वर को पा सकते हैं। अच्छे कर्म करने वालों की ही ईश्वर मदद करता है। मुझे उसका सेवक मानो और इसमें कोई संदेह मत रखो। जब बाकी सभी तरीके विफल हो जाएं, तो हाथ में तलवार उठाना सही है। असहायों पर अपनी तलवार चलाने के लिए उतावले मत हों, अन्यथा विधाता तुम्हारा खून बहाएगा। उसने हमेशा अपने अनुयायियों को आराम दिया है और हर समय उनकी मदद की है। हे ईश्वर, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं कभी अच्छे कर्म करने में संकोच न करूं। ये मित्र संगठित हैं और फिर से अलग नहीं होंगे। उन्हें स्वयं सृजनकर्ता भगवान ने एक किया है। सबसे महान सुख और स्थायी शांति तब प्राप्त होती है जब कोई अपने भीतर से स्वार्थ को समाप्त कर देता है। दिन रात हमेशा ईश्वर का ध्यान करो। हर कोई उस सच्चे गुरु की जय जयकार और प्रशंसा करे जो हमें भगवान की भक्ति के खजाने तक ले गया है। भगवान के नाम के अलावा कोई मित्र नहीं है। भगवान के विनम्र सेवक इसी का चिंतन करते और इसी को देखते हैं। आपने ब्रह्मांड की रचना की, आप ही सुख दुख के दाता हैं। आप स्वयं ही स्वयं हैं। आपने स्वयं ही सृष्टि का सृजन किया है। सत्य कर्म के द्वारा तुम्हें सच्चा गुरु मिलेगा और उसके बाद प्रिय भगवान मिलेंगे। उनकी मधुर इच्छा से तुम्हें उनकी दया का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
सच्चे गुरु की सेवा करते हुए स्थायी शांति प्राप्त होगी, जन्म और मृत्यु के कष्ट मिट जाएंगे। अज्ञानी व्यक्ति पूरी तरह से अंधा है, वह मूल्यवान चीजों की कद्र नहीं करता है। ईश्वर स्वयं क्षमा करता है। बिना गुरु के किसी को भगवान का नाम नहीं मिला है। बिना नाम के कोई शांति नहीं है। मृत्यु के शहर में उन्हें बांध कर पीटा जाता है और कोई उनकी प्रार्थना नहीं सुनता है। जो लोग भगवान के नाम पर ध्यान करते हैं, वे सभी शांति और सुख प्राप्त करते हैं। मैं उस गुरु के लिए न्योछावर हूं जो भगवान के उपदेशों का पाठ करता है। सेवक नानक भगवान के दास हैं, अपनी कृपा से भगवान उनका सम्मान सुरक्षित रखते हैं। स्वार्थी अशुभ संकल्पों को जन्म देता है। भगवान स्वयं ही मार्ग बताते हैं, वे ही कर्मों के कर्ता हैं। धन्य है वह गुरु का सिख जो सच्चे गुरु के चरणों में जाकर गिरता है। धन्य है गुरु का वह सिख जो अपने मुख से प्रभु का नाम लेता है। जिसके मन में भगवान के नाम की भूख होती है, उसका पूरा जीवन फलदायी होता है। अहंकार में व्यक्ति पर भय का आक्रमण होता है, वह भय से पूरी तरह परेशान होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। मैं उस गुरु के लिए नौछावर हूं जिन्होंने मुझे अहंकार की घातक बीमारी से पूरी तरह से ठीक कर दिया है। गुरु के गुण गौरवशाली और महान हैं, जिन्होंने बुराई को खत्म किया है और मुझे सद्गुणों की शिक्षा दी है। मैं उन लोगों के चरणों में गिरता हूं जो सत्यतम का ध्यान करते हैं। मृत्यु के नगर में घोर अंधकार और धूल के बड़े बड़े बादल हैं। ना कोई बहन है, ना कोई भाई है। यह शरीर दुर्बल है, बुढ़ापा इस पर हावी हो रहा है। सच्चे गुरु के मिलने से भूख मिट जाती है। भिखारी का चोला पहनने से भूख नहीं मिटती। धन्य है प्रभु को जानने वाला मेरा सच्चा गुरु। उसने मुझे मित्र और शत्रु को एक समान देखना सिखाया है। धन्य है वे गुरु जिनके मुख से भगवान के अमृत फल का स्वाद आता है।